आज हम कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है इसमें एक पेयर किडनी होती है। किडनी क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिन फॉर्मेशन कराएगी। एक पेयर यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स वो ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। और एक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन रिलीज आउट होता है। किडनी की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। हमारी किडनी 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। किडनी का एवरेज वेट जो होगा 170 ग्राम होता है। ह्यूमंस की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रस होती है। हमारी जो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है। पीछे के साइड क्या होगा, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के पास होती है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है, दोनों साइड एक एक होती है। हीलम क्या है, हीलम वो नॉच है जो इनर कॉनकेव सरफेस के सेंटर पे होता है। यहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं। आज हम करें ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी की जो आउटर लेयर है वो टफ फाइब्रस कैप्सूल है। किडनी को अंदर से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। जो कॉर्टेक्स होती है वो डॉटेड दिखती है क्योंकि वहाँ पे माल्फ्यूजन कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेडुला होती है वो स्ट्रीटेड दिखती है क्योंकि वहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। जो मेडुला है उसको हमने कुछ कॉनिकल मासेज में डिवाइड कर रखा है। इन मासेज को हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और ये कहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं, ये कैलिक्स में प्रोजेक्ट होते हैं। जब हम हीलम से अंदर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं एक ब्रॉड फनल शेप की खाली सी जगह है। उस जगह को हम बोलते हैं रीनल पैल्विस। ये जो रीनल पैल्विस है इसमें उठी हुई सी प्रोजेक्शन दिख रही है उसको हम कैलेसिस बोलते हैं। सिंगुलर को कैलेक्स बोलेंगे। जो रीनल पैल्विस है ये क्या है, यूरेटर का ही ऊपर वाला एक्सपेंडेड पोर्शन है। जब हम रीनल पिरामिड में आते हैं तो हम देखते हैं ये जो रीनल पिरामिड है ऊपर कॉर्टेक्स की साइड से चौड़ा है और नीचे रीनल पैल्विस की साइड से पतला है। तो ये जो नैरो वाला एंड है इस नैरो वाले एंड को हम बोलते हैं रीनल पैपिला। कॉर्टेक्स है वो मेडुला के बीच में एक्सटेंड कर रहा है और कॉलम्स बना रहा है। इसी को हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टेनी या फिर रीनल कॉलम्स। आज हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। हमारी जो किडनी होती है वो कई सारी माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है और इन्हीं माइक्रोस्कोपिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से भी जानते हैं। हमारी हर किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। दोनों किडनी की टोटल करें तो हमारी किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबल्स। ग्लोमेरुलस क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। ये गुच्छा होती है कैपिलरी का जो कि आफरेंट आर्टेरियल से फॉर्म्ड होती है। आफरेंट आर्टेरियल जो होती है रीनल आर्टरी की ही फाइन ब्रांच है। ब्लड जो होगा ग्लोमेरुलस से कैरी अवे हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू। रीनल ट्यूबल्स क्या करती है, अब जो वेस्ट बचेगा उसको रिमूव करने का काम रीनल ट्यूबल का है। इसमें बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट आते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को इकट्ठा मिलाकर माल्फीजन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है इनक्लोज होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। रीनल ट्यूबल्स क्या होती है, नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबल्स। ये बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये रीनल ट्यूबल्स के अंदर आते हैं। बोमेंस कैप्सूल क्या होती है, डबल वॉल वाला कप शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस बंद होता है। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को इकट्ठा मिला के माल्फीजन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल्स और माल्फीजन कॉर्पस्कल्स कहते हैं। इसके आगे जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये पीसीटी है। पीसीटी को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल भी कहते हैं। इसके आगे ये हेनलीज लूप है। हेनलीज लूप में ये डिसेंडिंग लिम है जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो असेंडिंग लिम है। उसके बाद हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। उसके आगे ये सीधी कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, सीधी जाके रीनल पैल्विस में खुलती है। नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होगा और वो यूरिन जो होगा रीनल पैल्विस से होते हुए यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसकी एक पतली सी वेसल जो है हेनलीज लूप के पैरेलल चल रही है, ये यू शेप की है। इसी को हम वासा रेक्टा कहते हैं। जो वासा रेक्टा होती है वो हाईली रिड्यूस्ड होगी या फिर एबसेंट होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। माल्फीजन कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी जो होते हैं नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं किडनी के। हेनलीज लूप जो होता है मेडुला के अंदर डिप होता है। नेफ्रॉन को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, पहली आगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी हुई गस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो हेनलीज लूप होता है वो छोटा होता है और मेडुला में बहुत कम डिप हो रहा होता है, लेकिन जो गस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है उनका हेनलीज लूप बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डीप में जा रहा होता है मेडुला के अंदर। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो 80-85% होती है और जो गस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है वो 15-20% होती है।